हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज़ नुजहत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 27th ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज़ इनिशिएटेड इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में इंडिया ने अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स का कौन से स्टेट में स्टार्ट किया है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला सर्वे हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स का तवांग और दिबांग वैलीज में इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट अक्टूबर में एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखा गया था सिक्किम के साउथ लोनाक लेक में। ठीक है, इसको लीड कौन कर रहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये पार्ट है नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड मिशन का। ठीक है, तो इस सर्वे का पर्पस रहेगा रिस्क को एग्जामिन करना और फिजिबिलिटी को चेकआउट करना फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, साथ ही अदर प्रिवेंटिव मेजर्स को लेना। इससे जो है लेक एक्सेसिबिलिटी को इवेल्युएट किया जाएगा, जियो कोऑर्डिनेट्स को चेकआउट किया जाएगा, बाउंड्रीज एलिवेशन और क्या लैंड यूज पैटर्न है उसको चेकआउट किया जाएगा टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड वेदर स्टेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इंडिया ने अपना पहला कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे रिगार्डिंग हाई रिस्क ग्लेशियर लेक स्टार्ट कर दिया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कौन सी दो वैली में, तवांग और दिबांग वैलीज में। ठीक है, कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले, कौन सी एक रिवर है अरुणाचल प्रदेश में जिसको लाइफलाइन माना जाता है अरुणाचल प्रदेश स्टेट का, तो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब रहती है अरुणाचल प्रदेश में एंड इट इज द आदि ट्राइब, और ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इट इज द सोलुंग फेस्टिवल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम GLOF मिशन यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड मिशन की बात करें, तो प्राइमरी कॉज क्या होता है ऐसे आउटबर्स्ट फ्लड्स का, तो इसका प्राइमरी कॉज होता है सडन रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लेशियर लेक्स ड्यू टू डैम फेलियर। जब डैम वर्क करना बंद कर देते हैं यानी कि डैम पानी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब जो सडन रिलीज होता है वाटर का फ्रॉम दीज ग्लेशियर लेक्स, उसी को हम इस टर्म के नाम से जानते हैं, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा एरिया या कौन सा रीजन है जो वल्नरेबल होता है इन चीजों को, तो आंसर है हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है GLOF का। ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए इन दीज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, सो रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है, साथ ही सैटेलाइट इमेजरी से पहले से इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी थी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो बॉडी है ये कब एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया में, 2005 के अंदर, और इसमें एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन कौन होते हैं, सो दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिक्किम की बात करी थी, तो सिक्किम में एक फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन सा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है पॉड वन आउट करके कि इसमें से कौन सी एक जगह है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी साइट्स हैं जो यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में ऐड कर रखी हैं। इसके अलावा सिक्किम की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सो दैट इज द कंचनजंगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे के लिए थीम हमने क्या रखी है, आपको ये बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। तो इंडिया ने सेलिब्रेट किया अपना पहला नेशनल स्पेस डे ऑन 23rd of August 2024। ठीक है, और क्यों, क्योंकि ये दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर ऑन द मून्स सदर्न पोलर रीजन। ठीक है, और लास्ट ईयर हमने डिसाइड किया था कि इस दिन को अब हम नेशनल स्पेस डे के नाम से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये पहली बार है जब हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इंडिया इसी के साथ पहली कंट्री है टू लैंड टू इन दिस अनचार्टर्ड रीजन, और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 4th कंट्री है टू अचीव दिस फीट। ठीक है, तो इस साल के लिए हमने थीम रखी है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ठीक है, दो बातें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले नेशनल स्पेस डे, ये पहला एडिशन था जो कि हम 23rd of August को सेलिब्रेट करेंगे अब हर साल, और थीम इस साल की है टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ठीक है, नेशनल स्पेस डे की अगर हम बात करें तो कौन सी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेज करती है कंट्री के स्पेस प्रोग्राम को, सब जानते हैं इट इज इसरो, राइट। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम कौन माने जाते हैं,
तो ये हैं विक्रम साराभाई। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसरो को कब फाउंड किया गया था, तो इसरो को 1969 में फाउंड किया गया था। चंद्रयान 3 के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं? सबसे पहले प्राइमरी पर्पस क्या था चंद्रयान 3 का, तो प्राइमरी पर्पस था चंद्रयान 3 का एक सॉफ्ट लैंडिंग कंडक्ट करना मून के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम मून के सदर्न पोलर रीजन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली दो क्रेटर्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं और ये काफी न्यूज में रहते हैं। इट इज द शूमेकर एंड फॉस्टरी क्रेटर्स, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस है मून के साउथ पोल की इन टर्म्स ऑफ सनलाइट? तो ये जो एरिया है ये नियर कॉन्स्टेंट सनलाइट में रहता है और या फिर नियर कॉन्स्टेंट डार्कनेस में, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे कि कौन सा एक एलिमेंट है जो माना गया है कि मून के साउथ पोल में अबेंडेंटली मौजूद है, सो दैट इज वाटर आइस, दैट इज H2O, ठीक है। नेक्स्ट आपसे ल्यूनार लैंडिंग के रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सक्सेसफुल मैंड ल्यूनार लैंडिंग मिशन कौन सा था, सो दैट इज अपोलो 11, ठीक है। इसको लॉन्च किया था नासा ने, कब किया था, 1969 में, ओके। और इसमें नील आर्मस्ट्रांग, इसके अलावा बुज एल्ड्रिन, इन दोनों व्यक्तियों ने मून पे लैंड किया था। और फर्स्ट ह्यूमन कौन है जिन्होंने मून पे लैंड किया था, इनको भी याद रखिएगा, ये है नील आर्मस्ट्रांग। विच कंट्री वॉज द थर्ड टू हैव सक्सेसफुल अनमैंड ल्यूनार लैंडिंग मिशन, सो दैट इज द कंट्री चाइना विथ दियर चैंग-3 मिशन, ठीक है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द वेव्स समिट रिसेंटली सीन इन द न्यूज, एंड द फुल फॉर्म ऑफ वेव्स इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इस समिट को हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने लॉन्च किया टोटल 25 चैलेंजेस को अंडर द क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 फॉर द वेव समिट, जो कि नई दिल्ली में कंडक्ट हुई है। और वेव्स एक प्लेटफॉर्म है कोलाबोरेशन के लिए, इनोवेशन और डिस्कशन के लिए इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। इसके गोल क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी को बूस्ट करना, इसी के साथ इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन जाएगा और नए इंडस्ट्री ट्रेंड्स को अडॉप्ट करना, फाइन। तो इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पज है यहाँ पे इंडिया की ग्लोबल प्रेजेंस को इन्हांस करना इन द M&E इंडस्ट्री, यानी कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और ये प्रमोट करता है क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस को। पर्पज यहाँ पे क्या है? एक स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ऑर्गेनाइज किया है वेब समिट को, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पे अगर हम आए तो कब इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में? इंडिपेंडेंस के साथ ही इस बॉडी को एस्टैब्लिश कर दिया गया था 1947 में। फर्स्ट मिनिस्टर कौन बनाए गए थे? इसके लिए आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कौन सी बॉडी है जो कि ऑपरेट होती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू रेगुलेट द टेलीविजन कंटेंट इन इंडिया? सो दैट इज CBFC, मेन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। वेव समिट की बात करें तो कौन सा साल था जब वेव्स समिट को पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया? तो लास्ट ईयर 2023 में पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके अलावा वेव्स समिट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है अपार्ट फ्रॉम बूस्टिंग इंडियाज क्रिएटर इकोनॉमी? सो दैट इज प्रमोटिंग क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो कितना परसेंटेज है इंडिया की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ग्रो का इन द फिस्कल ईयर 2021? सो दैट इज 12.5%। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी इंडिया की सिटी है जिसको कि एंटरटेनमेंट कैपिटल के नाम से जाना जाता है? सो दैट इज मुंबई, ओके। मुंबई इज द एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। कौन से सेक्टर है विद इन द M&E इंडस्ट्री जिसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फास्टेस्ट पेस पे ग्रो करेगा बाय द एंड ऑफ 2025 इन इंडिया? सो दैट इज डिजिटल मीडिया, फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकापल्ली रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू केमिकल डिजास्टर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये रीजन कौन से स्टेट में लाई करता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, ठीक है। किस वजह से न्यूज में आया है? क्योंकि एक फायर केस का इंसिडेंट देखा गया है बाय अ रिएक्टर ब्लास्ट एट द एसेंशिया एडवांस्ड साइंसेस इन अनकापल्ली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसकी वजह से 17 लोगों की डेथ हुई है और 20 इंजरीज यहाँ पे देखने को मिली हैं, ठीक है। तो ये डिजास्टर किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ अ फायर इन अ लीक्ड सॉल्वेंट एट द फार्मास्यूटिकल कंपनी
और याद रखिएगा, इंडिया बहुत वल्नरेबल हो चुका है टू द केमिकल डिजास्टर विथ 1861 मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट्स और बहुत सारी और भी हजार्डस फैक्ट्रीज हैं. तो MAH यूनिट्स एक सिग्निफिकेंट रिस्क पोज करते हैं मेजर इंसिडेंट्स के लिए. अदर केमिकल डिजास्टर्स कौन कौन से हैं इंडिया में जो हो चुके हैं, जैसे कि 2024 का अमोनिया गैस लीक हुआ था चेन्नई में, इसके अलावा 2020 का स्काइरिन गैस लीक हुआ था वाइजेग में, और 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि हमेशा याद रहती है. और वो जो ट्रेजेडी थी वो किस वजह से हुई थी, बिकॉज ऑफ मेथिल आइसोसाइनेट. ठीक है, तो अनाकपल्ली रीजन इसी वजह से न्यूज में आ गया. इसकी लोकेशन आपको बस याद रखना है कि ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में. ठीक है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑल दो 1984 में हुई थी, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. जैसे कि केमिस्ट्री के पेपर में आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी रीजन क्या था इस ट्रेजेडी का, तो दैट इज मेथिल आइसोसाइनेट लीक. ठीक है, तो मेथिल आइसोसाइनेट के लीक की वजह से ये डिजास्टर हुआ था. और सॉल्वेंट लीक्स की अगर हम बात करें तो किस तरह के डिजास्टर हैं जो सॉल्वेंट लीक की वजह से कॉज होते हैं, सो दैट आर फायर्स लग जाती हैं इनकी वजह से. ठीक है, और कॉमन सॉल्वेंट कौन सा है जो कि हजार्डस होता है अगर लीक हो गया इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, सो दैट इज द बेंजीन. बेंजीन बहुत हार्मफुल होता है आपके हेल्थ के लिए. ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा इंडिया का स्टेट है जहां पे एसेंशिया एडवांस्ड साइंसेज फार्मास्यूटिकल कंपनी मौजूद है, सो दैट इज आंध्र प्रदेश. इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ. और इसके अलावा मेन रिस्क क्या है जो कि एसोसिएटेड है विद द फार्मास्यूटिकल कंपनीज सिमिलर टू एसेंशिया एडवांस्ड साइंसेज, दैट इज द केमिकल डिजास्टर. राइट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज. ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है आपको यहाँ पे ये बताना है. करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज. ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव से इन द नेशनल लेवल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म पहली बार 10 सालों के अंदर. और JCM की बात यहाँ पे करें अगर, तो ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर द डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड द ऑफिशियल्स, जहां पे पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाती है. ठीक है, इनिशियली इसको 1966 में इंट्रोड्यूस कराया गया था. पर्पज है यहाँ पे हारमोनियस रिलेशंस को प्रमोट करना और कॉपरेशन को बढ़ाना बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज. ओके, तो JCM एक नॉन स्टैट्यूटरी स्कीम है बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द स्टाफ एंड द ऑफिशियल्स. ओके, तो प्राइमरी पर्पज क्या हो गया ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी का, तो इसका बेसिक पर्पज है डिस्प्यूट को रिजोल्व करना बिटवीन द गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज. ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओवरसी करता है लेबर स्टैंडर्ड्स को फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. सब जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में. ठीक है, फिर इसके अलावा कौन सी कंट्री में जो पोजीशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो सिविल सर्वेंट के नाम से जानी जाती है, सो दैट इज द कंट्री UK. फाइन, इसके अलावा कौन सी इंटरनेशनल बॉडी है जो कि प्रोवाइड करती है मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, दिस इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. फाइन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेज्ड $500 million फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से $500 million रेज किए हैं हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट में, सो दैट इज द डी ऑप्शन एशियन डेवलपमेंट बैंक. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने $500 million सिक्योर कर लिए हैं फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इस फंडिंग का पर्पज यहाँ पे क्या है, टर्शियरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, मेडिकल एजुकेशन को प्रमोट करना महाराष्ट्र में. ठीक है, 4 नए मेडिकल कॉलेज विद अटैच्ड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे. इस प्रोजेक्ट का फोकस है क्लाइमेट रेजिलियंस, जेंडर इंक्लूसिविटी, साथ ही अंडर सर्व डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो ये हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा स्टेट के अंदर. प्लान्स हैं यहाँ पे कि 500 नए डॉक्टर्स भी भर्ती किए जाएं टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम. ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक से $500 million सिक्योर करवाए हैं टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सेक्टर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, ADP के रिगार्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया था, 1966 में. कौन सी कंट्री है जहां पे इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस कंट्री में. ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा एक एग्रीमेंट है जिसका फोकस है क्लाइमेट रेजिलियंस, सो दैट इज पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रखा करिए. ठीक है, कि पेरिस एग्रीमेंट का पर्पज है क्लाइमेट रेजिलियंस. फिर IPCC भी इंपॉर्टेंट है, IPCC का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Recently, University of Uttar Pradesh was the Smart Laboratory on Clean Rivers Project inaugurated. उत्तर प्रदेश की किस सिटी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, वाराणसी. ठीक है, तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क लेड टू द क्रिएशन ऑफ द स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स इन वाराणसी सिटी. ठीक है, इस पार्टनरशिप में बेसिकली कौन कौन इन्वॉल्व है? इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज हो गई, इसके अलावा IIT BHU हो गई, और साथ ही डेनमार्क कंट्री ऑब्वियसली, जिससे कि स्मॉल रिवर मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाए. और ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है, इसका पर्पज है यहाँ पे जो भी वरुणा रिवर है उसको रेजुविनेट करना यूजिंग द सस्टेनेबल मेथड्स एंड कोलैबोरेशन. और इस इनिशिएटिव में कंबाइन किया जा रहा है एक हाइब्रिड लैब को एट IIT BHU एंड अ लिविंग लैब ऑन द वरुणा रिवर, जिससे कि सॉल्यूशंस को टेस्ट किया जाए. और SLCR इंक्लूड करता है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल एंड रिव्यू मैकेनिज्म को, ताकि हाई स्टैंडर्ड्स एंश्योर किए जा सके. इंडो डैनिश ज्वाइंट स्टीयरिंग कमिटी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जबकि प्रोजेक्ट रिव्यू कमिटी ओवरसी करता है क्वालिटी कंट्रोल को. ठीक है, तो वाराणसी सिटी ऑफ UP में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया गया है. ठीक है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो कौन से साल में इंडिया और डेनमार्क के बीच में ये पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हुई थी? तो 2020 में. कौन सी दो प्राइमरी कंट्रीज हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन द ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? दीज कंट्रीज आर इंडिया एंड डेनमार्क. यहाँ पे पर्पज क्या है? तो पर्पज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, वरुणा रिवर के बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वरुणा रिवर किस मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है? सो दैट इज द गंगा. फिर क्लीन रिवर मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें तो कौन सी इंडिया की रिवर क्लीन अप मिशन है, जिसको कि जाना जाता है एज एन इनिशिएटिव टू रेजुविनेट द गंगा रिवर? सो दैट इज द नमामि गंगे प्रोग्राम. ठीक है, कितना परसेंटेज है इंडिया के वेस्ट वाटर का जिसको कि ट्रीट कर दिया जाता है बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स? सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 30%. और कौन सी इंडिया की मिनिस्ट्री है जो कि ओवरसी करती है रिवर रेजुविनेशन प्रोजेक्ट को? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. आपको कॉमेंट से बताना है कि हमारे जल शक्ति मिनिस्टर फिलहाल कौन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. Which ministry recently launched the Building and Other Construction Workers Management Information System Portal? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है Building and Other Construction Workers Management Information System Portal? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इन्होंने लॉन्च किया बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल. किस लिए? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, ताकि उनको रजिस्टर करवाया जाए फॉर डिफरेंट स्कीम बेनिफिट्स. ओके, इस पोर्टल को अनवील किया गया ड्यूरिंग अ मीटिंग जिसको कि लीड किया हमारे लेबर सेक्रेटरी सुमिता दावरा ने. और ये सेंट्रलाइज करेगा डेटा को फ्रॉम स्टेट वेलफेयर बोर्ड्स. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो रजिस्टर करें ऑन द पोर्टल और डिटेल्स अपडेट करें ऑन द फंड यूसेज एंड वर्कर रजिस्ट्रेशन. करेंटली 57 मिलियन वर्कर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं विद दीज बोर्ड्स, और टोटल सेस है 1.15 ट्रिलियन तक का लगभग. ओके, तो 66,000 करोड़ रुपीज के ऊपर भी अब तक स्पेंड किया गया है ऑन द वेलफेयर स्कीम्स फॉर दीज वर्कर्स. ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल. प्राइमरी पर्पस क्या होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 का? तो जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी वेलफेयर और सेफ्टी प्राइमरी इसका पर्पस होता है. कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको ऑपरेट करती है? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कितने चाहिए फॉर अ कंस्ट्रक्शन साइट टू बी कवर्ड अंडर BOCW लेजिस्लेशन? सो 10 वर्कर्स की जरूरत होती है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. India has recently approved the exports of an additional 251 megawatt power from which country? Correct answer है यहाँ पे C option, Nepal. India ने approved किया है additional 251 megawatt of power export का from 12 hydropower projects in Nepal, जिसके बाद total exports हो जाएगा हमारा 941 megawatt. ठीक है, तो Nepal इस power को export करेगा बिहार को पहली बार under a medium term agreement. और याद रखिएगा, नेपाल नेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्टर रहा है लास्ट फिस्कल ईयर में, जिसके बाद नेपाल की जो पावर एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के लिए वो ग्रो हुई है 2021 में 39 मेगावाट तक, और अब 941 मेगावाट हो चुका है. ठीक है, तो एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट इंडियन स्टेट्स लाइक हरियाणा एंड बिहार ये नेपाल के एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं. और एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी साइन हुआ है नेपाल के साथ, जिसका पर्पज है 10,000 मेगावाट एक्सपोर्ट करना फ्रॉम नेपाल टू इंडिया इन द नेक्स्ट डेकेड. ठीक है, तो इंडिया ने हाल ही में अप्रूव किया है एक्सपोर्ट्स ऑफ एन एडिशनल 251 मेगावाट पावर फ्रॉम द कंट्री नेपाल. हाइड्रो पावर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं.
कौन सी कंट्री है जो जिसके पास हाईएस्ट इंस्टॉल्ड हाइड्रोपावर कैपेसिटी है पूरी दुनिया में, सो दैट इज द कंट्री चाइना. फिर कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरली फोकस है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोपावर ग्लोबली, सो दैट इज इंटरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएशन. ओके, कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इलेक्ट्रिसिटी की पूरी दुनिया में, याद रखिएगा ये कंट्री है फ्रांस. ओके, इसके अलावा लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है पूरी दुनिया में उसका नाम क्या है बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. इसके अलावा व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, दिस इज द थ्री गॉर्जेस डैम. ओके, ये लोकेटेड है यांगजे रिवर पे चाइना कंट्री के अंदर. फाइन, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, करोवे डायमंड माइन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. ये डायमंड माइन कहां पे लाई करती है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, बोत्सवाना. ठीक है, एक्चुअली किस वजह से न्यूज में आया है, क्योंकि 2492 कैरेट का डायमंड जो कि सेकेंड लार्जेस्ट एवर फाउंड डायमंड है, ये डिस्कवर हुआ है करोवे डायमंड माइन से इन बोत्सवाना कंट्री. ठीक है, ये डायमंड सेकेंड क्यों कहा गया है, क्योंकि फर्स्ट वाला है 3106 कैरेट का जो कि साउथ अफ्रीका से हमें मिला था पिछले सेंचुरी में. बोत्सवाना मेजर डायमंड प्रोड्यूसर है जैसे कि हम जानते हैं, और इस ये जो डायमंड इंडस्ट्री है यहाँ पे, ये इसकी जीडीपी में 30% तक लगभग कॉन्ट्रीब्यूट करती है, और इसके एक्सपोर्ट में 80% तक इसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है. ठीक है, तो एडवांस्ड एक्सरे ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी को यूज किया गया इस डायमंड को अनअर्थ करने के लिए, ताकि इसकी साइज और क्वालिटी को प्रिजर्व किया जा सके. ये डायमंड अभी भी फुली एग्जामिन नहीं किया गया है, और अब इसको फर्दर एक्सप्लोर किया जाएगा टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी एंड पोटेंशियल फॉर हाई वैल्यू जेम्स. ओके, तो करोवे डायमंड माइन न्यूज में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे हमें सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड रिसीव हुआ है, और ये जो डायमंड माइन है लाई करती है बोत्सवाना कंट्री में. ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा केमिकल एलिमेंट है जिससे कि डायमंड बना होता है, कार्बन है. ठीक है, और कौन सी कंट्री है जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड्स की बाय वॉल्यूम, सो दिस इज द कंट्री रशिया. बोत्सवाना कंट्री की बात करें तो कैपिटल सिटी कौन सी है बोत्सवाना की, दैट इज द गैबोरोन. कौन सा इंपॉर्टेंट डेजर्ट है जो कि बोत्सवाना में पाया जाता है, दैट इज द कालाहारी डेजर्ट. फाइन, तो इसी के साथ हमारे जो आज के क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए, और अब हम चलेंगे रिवीजन वाले पैटर्न की तरफ, जिसमें आज के तीन टॉपिक्स हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं. सबसे पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, सेकंड पे हम देखेंगे कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स, और थर्ड पे हम बात करेंगे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स की. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की स्लाइड को. पहला क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल 2023, इसके लिए कौन सी सिटी वेन्यू रही. करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल सिविल सर्विस डे एवरी ईयर. नेशनल सिविल सर्विस डे होता है 21st of April को. इस दिन हम ऑनर करते हैं अपने सिविल सर्वेंट्स को. रिसेंटली वेयर वॉज द 12th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन डिफेंस हेल्ड. जो 12th एडिशन था इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग का ऑन डिफेंस, ये कंडक्ट हुआ है उलान बातर में. उलान बातर कहाँ पे, मंगोलिया कंट्री में. ठीक है, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. युविका प्रोग्राम कंडक्ट किया है इसरो ने. ठीक है, नेक्स्ट इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे एवरी ईयर. वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं. व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, और इस साल की हमने थीम रखी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड. विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया, ये क्वेश्चन आज ही हमने देखा है. करेक्ट आंसर है यहाँ पे 23rd of August. नाउ सेकेंड स्लाइड में हम देखेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स. रिसेंटली हु वन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 विथ 17.5 पॉइंट्स. नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीता है मैग्नस कार्लसन ने. अंगद वीर सिंह बाजवा एंड गनीमत सेखोन हु वर सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. ये दोनों प्लेयर्स रिलेटेड हैं शूटिंग से. दत्ताजी राव कृष्णा राव गायकवाड हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. ये एक क्रिकेटर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया. रिसेंटली विच प्लेयर वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024. इसके लिए विनर है अराइना सबलेंका, और मेन्स सिंगल्स जीता था जैनिक सिनर ने. ठीक है, ट्रेंट बोल्ट हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री. हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, और ये न्यूजीलैंड के एक प्लेयर थे. हर्षित कुमार हु रिसेंटली वन अ गोल्ड मेडल इन द 21st अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट. हर्षित कुमार जिन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है 21st अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. आंसर है हैमर थ्रो. फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करने वाली कंट्रीज हैं कनाडा, मैक्सिको एंड द यूएस. ठीक है,
थर्ड कैटेगरी हम यहां पे डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बैंडिकूट मिनी रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज. बैंडिकूट मिनी क्या चीज है? ये मैनहोल क्लीनिंग रॉबोट है. ठीक है. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल इन विच इंडियन स्टेट. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया कंट्री का पहला इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल कौन से स्टेट में? तमिलनाडु में. विच कंट्री रिसेंटली रिपोर्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ ड्यू टू ओरो पाउच वायरस. ये वायरस जो है इसकी वजह से पहली डेथ देखी गई है ब्राजील कंट्री में. जूनो प्रोब इज अ नासा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू ऑर्बिट विच प्लैनेट. जूनो प्रोब को लॉन्च किया गया है जुपिटर के लिए और ये नासा का स्पेसक्राफ्ट है. व्हाट इज स्टारगेट रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज. स्टारगेट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है. साइंटिस्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड बेंगलुरु बेस्ड IDRS लैब्स हैव कोलैबोरेटेड टू डेवलप एक्टोकाइट टैबलेट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज. इन टैबलेट्स को डेवलप किया गया है फॉर कैंसर. रिसेंटली विच कंट्री कैरिड आउट टू सेपरेट क्वांटम नेविगेशन टेस्ट वन अबोर्ड अ रॉयल नेवी शिप एंड अनदर ऑन अ स्मॉल जेट प्लेन. करेक्ट आंसर हियर इज UK. फाइन. तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे सेशन वाइंड अप होता है और अगले स्लाइड में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगी और ये क्वेश्चंस जो हैं वो समिट्स इन कॉन्फ्रेंसेस के हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनके आंसर्स को अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में लिख सकें और जो नहीं आते वो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के फ्यूचर के लिए याद रख सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज डू नॉट स्किप द क्विज, एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट. इससे होगा क्या, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी. ठीक है. तो कल फिर हम मिलेंगे कल के नए करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. And please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahid Sana signing off.